तो हेलो फ्रेंड्स, रिया इलेक्ट्रिक में फिर आपका स्वागत है एक बार और। आज हम जानेंगे कि CM4 मशीन में कटर, जो मार्बल कटर होता है, उसमें लगने वाले सामान कहां कहां कौन सा पार्ट लगता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सब पूरा इसी का सामान है। और इसका अगर चाहिए तो आप लोग बोलिएगा, तो हम इसका प्राइस भी बता देंगे। वैसे हम बताते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। ये इसका CM4 का बेस्ट क्वालिटी आर्मेचर है, जो कि तकरीबन 350-400 जहाँ जैसा मार्केट रहता है वैसा मिलता है। और ये है इसका स्विच, जो यहाँ पे लगा होता है। ये भी 40-50 के आसपास आता है होलसेल में। और ये इसका आगे वाला जो बैरिंग हब होता है, बैरिंग हब, इसमें 6201 बैरिंग लगता है। तो यहाँ पे किसी किसी का ख़राब हो जाता है तो डालने के काम में आता है। और इसका ये जो होता है आगे वाला नट, जो कटिंग ब्लेड कसने के काम में आता है, यहाँ वाला नट। और ये इसका यल नट हो गया, जो उल्टी चूड़ी में है। ये बहुत कम मिलता है, बहुत परेशानी से मिलता है। दाम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये के आसपास आता है, लेकिन इसको खोजने में बहुत दिक्कत होती है। और ये इसका गियर है, जो लमसम यही 50-40-50-60 होलसेल का प्राइस है। 80-80 रुपये स्टैंडर्ड क्वालिटी का आता है। और ये हो गया आपका आगे वाला बैरिंग, हो गया पीछे वाला है, पीछे वाला बैरिंग। ये बैरिंग का रबड़ है, जो किसी किसी मशीन में लगता है, किसी किसी में नहीं लगता है। और ये कार्बन होल्डर है, कार्बन होल्डर बेस्ट क्वालिटी का कार्बन होल्डर है, कार्बन है स्टैंडर्ड क्वालिटी का। ये आपको तकरीबन दोनों मिला के 80-100 यही आसपास, 60-70-80। और ये इसका कार्बन होल्डर, ये कार्बन होल्डर है। और इसका ये नट है कार्बन होल्डर का, बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। और ये कार्बन भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, कार्बन तो ज़्यादा ही आप लोगों को रखना चाहिए। और इसका एक चीज़ रह गया है, क्वाइल। जो क्वाइल होता है तो हम क्वाइल मंगाते नहीं हैं, खुद अपना बाइंड करके डालते हैं। देखिए इस मशीन में मैंने अभी क्वाइल बाइंड करके डाला हुआ है, दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए आप लोग। नया क्वाइल अभी बाइंड करके डाले हैं, तो इसका कहिएगा तो आप लोगों को मैं इसका बाइंडिंग डाटा भी निकाल के बना के दे दूंगा। और इसमें और कुछ खास लगने वाला चीज़ है नहीं, फिर भी चलिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा इसका फुल डिटेल में, पूरा बाइंड करके सेटिंग करके सब कुछ दिखा दूंगा। तो भाई और तो सब हो गया ना, ये भी हो गया, तो और बताइए फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।